Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब लोग hopefully बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम बात करेंगे नोएडा के ऊपर, ग्रेटर नोएडा के ऊपर, रेंट के लिए जो लोग देख रहे हैं और फैमिली के लिए जो देख रहे हैं बेसिकली. तो मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि मैंने जो एक महीने में अपने साथ की मतलब मेरी लाइफ में जो हुआ रेंट के लिए और मैं कहाँ कहाँ घूमी, मुझे कैसे कैसे घर मिले, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए. तो मैं आपको बताती हूँ. पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है जहाँ आप लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है आपके लिए कहीं पर भी आपको रेंट पर रहने के लिए. क्योंकि एक फैमिली जो है ना, जिसकी पर्सन की, वो हमेशा चाहता है कि मैं ऐसी जगह घर लूँ जहाँ पे मेरी फैमिली सिक्योर हो, मेरे बच्चे सिक्योर हों, प्लस थोड़ी सी हमें सुविधाएं मिल सके, फैसिलिटी मिल जाए. जैसे बच्चे हैं तो आप सोचते हो कि चलो आसपास पार्क हो और नियर बाय स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, ये सारी चीज़ें हर कोई देखता है. और बैचलर के लिए तो ये भाई वो कर सकता है, लेकिन एक आदमी जब जॉब पे जाता है तो बीच में उसकी फैमिली होती है जो कि वो दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चे मेरी बीवी घर पे हैं, तो उस हिसाब से आप देखते हैं हमेशा. तो यही सारी चीज़ें हमारे मन में भी चल रही थी. प्लस जहाँ हम रह रहे हैं आपको वहाँ का हाल पता है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा इशू है. और वहाँ पे अब रहना, देखिए लास्ट जनवरी मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे अभी दुनिया में, तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो फ्लैट वगैरह में उतना नहीं रहते थे. उनको गाँव की आदत थी बाहर घूमना, थोड़ा सा उनका माहौल वैसा था गाँव का, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर बंद बंद. तो फिर अब दूसरा हमें अपने बच्चे के लिए स्कूल भी देखना है, उनके लिए अब अक्टूबर में 3 साल का हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी और हमने यही सोचा कि जो हमारा प्रेजेंट घर है उसको रेंट पे दे देंगे और हम कहीं और रेंट पे रह लेंगे जहाँ एटलीस्ट लाइट होगी, सब चीज़ें होंगी. सो हमने पहले स्टार्ट किया था ग्रेटर नोएडा से और ग्रेटर नोएडा में हमने काफ़ी जगह देखा, लेकिन ग्रेटर नोएडा का एक रेफरेंस था ओमनीकॉन फर्स्ट में, हमारे रिलेटिव रहते हैं कुछ, वहाँ पे देखा हमने पहले. लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि आप जो है, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी, लाइक आपके 2 बच्चे हैं और प्लस मेरे साथ मेरी बेटी है जो 16-17 साल की है, जेठ जी की लड़की है वो भी रहती है, प्लस हम हस्बैंड वाइफ, मेरे 2 बच्चे, प्लस मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ एटलीस्ट वहाँ पे मैं टीचिंग कर सकूँ, जैसे कि मैं अभी भी करती हूँ. तो मुझे हर जगह का ही रहता है क्योंकि वो एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से मैं इनकम करती हूँ, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन करना चाहती हूँ मैं हमेशा. तो मैं जहाँ भी रहने की सोचती हूँ मुझे लगता है कि मैं जो है वहाँ पे थोड़ा सा टीचिंग अपनी कंटिन्यू रखूँ ताकि एक प्रैक्टिस में रहे. प्लस मेरे हस्बैंड की जॉब, जो जॉब है वो एटलीस्ट ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना पड़े. तो ग्रेटर नोएडा में हमारे साथ ये इशू हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवलिंग का इशू था, प्लस बेटी का स्कूल भी मेरा नोएडा में ही है बड़ी वाली का, और ये सारी चीज़ें चल रही थी मतलब ग्रेटर नोएडा में. हमने कई जगह देखा और जलवायु विहार और यहाँ सारी जगह देखा, प्लस RW देखे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा था. प्लस जो चीज़ हमें चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रही थी, रेंट बहुत ज़्यादा था. लाइक मान लो आप 1 BHK का 10-12 हज़ार रेंट जा रहा है और 2 BHK का उससे भी ऊपर जा रहा है. ओमनीकॉन में भी इतने छोटे छोटे से फ्लैट हैं, वो 1 R के हैं, 7-8 हज़ार, 8-9 हज़ार भी रेंट ले रहे हैं. तो मुझे लगा कि जब मुझे इतना रेंट देना ही है तो क्यों ना मैं नोएडा में ही देखती हूँ. सो हमने ऑलमोस्ट सारी जगह ग्रेटर नोएडा में देख लिया था, कहीं पे भी 2 BHK है वो 10-20 तो लीस्ट है ही, 20 से आप शुरू करोगे तब आपको 2 BHK मिलेगा. फिर मैंने ग्रेटर नोएडा का बिल्कुल कह दिया कि नहीं भाई नहीं करना है. और फिर हमने नोएडा में देखा, नोएडा में हमने कई सारी जगह देखा और प्लस मेरी जो फैमिली की कनेक्टिविटी है ना वो ग्रेटर नोएडा से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे मायके वाले यहाँ रहते हैं और ऑब्वियसली सबके साथ है कि लड़की के मायके वाले ही साथ देते हैं, वरना तो कोई देता नहीं रिलेशन में उतना साथ. ठीक है, हर किसी का हाल है, मैं अपनी नई कहानी लेके नहीं बैठूंगी, है ना. और अब मेरे ससुर जी नहीं है तो मेरे जो बैकग्राउंड है ससुराल के साइड से वो भी कुछ खास उतना उनका है नहीं. तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी जो मायके की फैमिली है, ये मुझे इन्हीं के सराउंडिंग रहना है और मुझे अच्छा लगता है. मैं आती जाती रहूँ, मेरे घर वाले मेरे घर आते जाते रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में. फिर मैंने नोएडा में देखना शुरू किया. नोएडा में मैंने जनता फ्लैट,
ऑलमोस्ट जितने अथॉरिटी के फ्लैट्स को देख लिए, बिल्डर फ्लैट में मैं रहना नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है, प्लस जो बिल्डर फ्लैट है ना वो ऐसी जगह बने हैं जैसे आप एक तरफ गांव है एक तरफ ऐसे, फिर पार्क थोड़ा दूर पड़ रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि अब ओम इतना एक्टिव है ना तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यदि सांस पास होगा तो उसको खेलने के लिए उसकी एक्टिविटी वो जो है थोड़ा सा हो जाएगी। तो जो बिल्डर फ्लैट थे, हालांकि उनका रेंट ठीक था, 10,000 में आपको 1 BHK अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था नहीं, जब चेंज कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कर ले हम चेंज, ताकि बच्चों के लिए दिक्कत ना हो, मेरे सिक्योरिटी। और बिल्डर फ्लैट में आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती जितना आपको वहाँ पर मिल जाती है अथॉरिटी फ्लैट्स में। तो मैंने काफ़ी जगह देखा, फिर मैंने जनता फ्लैट देखा, तो यार सच बताऊँ जनता फ्लैट का हाल बहुत बुरा है, ये कह लीजिए आप। मतलब छोटे छोटे से घर हैं और उतना ज़्यादा कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, प्लस कोई ऐसी सजा सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, कोई भी आपके घर आ जा सकता है। क्योंकि जब आप उसमें एंटर करते हो तो एक कॉलोनी टाइप है और जो कोई भी चला जाएगा कोई भी आ जाएगा, तो इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं जनता फ्लैट में। एज पर जो जगह है वहाँ की, वहाँ की जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। मतलब आप ये सोच लो जो एक्सटेंड करके लोगों ने बना रखा है, तो वही 2 कमरे छोटे छोटे 8x8 के कमरे और किचन बाथरूम, उसका 10-12 हज़ार मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो है ना, ये एक एकदम जो जॉब्स के कंपनी है बीच में है, एकदम हब में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें शायद इसलिए। बाकी जगह जो धवलगिरी और ये सब अपार्टमेंट है, इन सब में भी देखा तो रेंट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था, तो हमें एटलीस्ट एक आइडिया करना था कि हम क्या करें। एक्सटेंशन की तरफ मुझे जाना नहीं था क्योंकि फिर मेरे घर से डिस्टेंस हो जाता और मैं चाहती हूँ जहाँ मेरा अभी घर है वहाँ से मेरा आना जाना लगा रहे, ताकि कोई बात हो तो मैं वहाँ पे देख सकूँ। क्योंकि सोलर है तो सोलर का देखिए आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि रेंटर्स रहते हैं, अच्छे रेंटर्स मिल जाए तो किस्मत वाली बात है, और नहीं मिले तो फिर आपको पता ही क्या होता है, बिगाड़ के रख देते हैं सारी चीज़ों को। तो फिर जो है मुझे देखना पड़ा, और अब मैंने जाके सेक्टर 34 में एक फ्लैट लिया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं शिफ्ट होंगी क्या करूँगी। अभी टाइम है थोड़ा सा, बस हमने फाइनल कर लिया कि हाँ हम वहाँ रहेंगे। तो रेंट का यही हाल है नोएडा ग्रेटर नोएडा में। तो ये सोच लीजिए अगर आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहना है फैमिली के साथ, तो एक दिमाग में लेके चलिए कि आपको जो है 10,000 से 20,000 आपके पॉकेट पे आएगा, और वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अच्छी जगह रहना चाहते हो, ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुविधाएँ मिले, आपके बच्चे खुश रहें, फैमिली सेफ रहें, तो आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सेक्टर में थोड़ा महंगा है, तो ये सब हमारे मिथ हैं आजकल, क्योंकि गांव एरिया में और भी ज़्यादा रेंट हो गया है, कोई 16-17 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अब ये अचानक हुआ है अब पता नहीं, मैं तो 6 साल से अपने घर में हूँ, पर हाँ रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहीं भी ले लो, क्योंकि ये एक हब बनता जा रहा है जॉब्स का, जहाँ पे जॉब लोग बाहर से आते हैं करने, प्लस जो ये फ्लैट्स हैं हाई राइज फ्लैट वगैरह हैं, इनमें क्या है कि जो बैचलर्स होते हैं ना वो एक साथ कई सारे बच्चे रह लेते हैं, उस वजह से भी उनका रेंट इनका तो बहुत ज़्यादा, 20 से नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता गौर सिटी की तरफ, उससे नीचे तो रेंट है ही नहीं उधर। जहाँ हमने लिया है यहाँ पे अंडर 15 है अभी फ़िलहाल, बस मैं आपको इतना आइडिया दे दूँगी। और घर कैसा है क्या है ये तो जब मैं शिफ्ट हो जाऊँगी जब दिखाऊँगी आपको। सोसाइटी अच्छी है, सामने पार्क है, बच्चों के लिए ठीक है। सो ये थी कुछ नोएडा की रियलिटी, ग्रेटर नोएडा की रियलिटी, जो रेंट के पर्पज़ से मैं आपको बता रही थी। हाँ 118 वाले भी मैंने देखा, 118 के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं कि भाई यहाँ पे रेंट कम होगा क्योंकि जनता फ्लैट है सब, बिल्कुल ये कुछ नहीं है यार, वहाँ पे भी ना आपको मतलब 2 BHK आपसे अगर बना हुआ है ना, तो आपसे कहेंगे 20,000 रेंट है, 22,000 रेंट है, जो थोड़ा ठीक से बना हुआ है। अदरवाइज़ उनकी हालत ऐसी है ना कि आप 10 दिन बाद ही आपको लगा कि भाई मैंने कहाँ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जा के देखा है कि कैसा है। 1 BHK में तो आप ये सोच लो 8x8 का कमरा भी नहीं होता ढंग से, और उतना ही हॉल होता है, किचन होता है, लेकिन हाँ अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है। प्लस जैसा बने आप फिर उस हिसाब से रेंट पे दो, लेकिन जो मुझे लग रहा है खरीद लेते हैं वो सोचते हैं कि सारे EMI हम रेंटर से ही निकाल लेते हैं, ठीक है ये सीन है।
तो जो वहाँ का भी मुझे तो पसंद आया नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप अगर वहाँ पे 22,000 रेंट दे रहे हो तो आप किसी RW में रह सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से सुकून से रह लोगे और स्पेस भी आपको काफ़ी मिल जाएगा। इतने में आपको RW भी मिल जाता है घर 20-22 हज़ार में, 2 BHK। 1 BHK का आपको 9-10 हज़ार मांग रहे हैं, 9-10 हज़ार उसका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, फर्श भी वैसे ही है, सीमेंटेड टू फर्श होता है, बस 4 दीवारी हैं उनको पेंट कर दिया गया है, सीलन इतनी पूरी तरह है उसमें। तो मैं तो कहूँगी कि भाई आपके ऊपर है, आपको कैसे रहना है उसमें, उससे तो अच्छा आप कहीं पे एक कमरा ले लो बड़ा सा और उसमें एडजस्ट कर लो हस्बैंड वाइफ को, तो ऐसी जगह तो रहने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे हैं तो आपको बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ता है कि फैसिलिटीज़ क्या है, तो एटलीस्ट उससे अच्छा आपको बेटर फ्लैट लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का रहता है तो आप इन्वर्टर पर काम कर सकते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी वहाँ पर भी कोई सच है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड आपको रोकता नहीं है, आराम से कोई भी जा सकता है उसके अंदर, ये सारा सीन है। और सोल का साइड है, तो अगर आपको मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हो, आना जाना आपके घर में लगा रह सकता है, तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 10 तो आपकी पॉकेट में जाना ही चाहिए, ठीक है, 10,000 तो आपको होना ही चाहिए। तो ये थी कुछ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेंट के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आप लोग शेयर किया, और आप बताइएगा आपके आपके यहाँ क्या रेंट है, कहाँ आप रहते हैं, मुझे प्लीज़ शेयर करना, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।